हे गाइज आई होप यू आर डूइंग ग्रेट बच्चे स्कूल चल गए हैं एंड मैंने ग्रॉसरी स्टार्ट कर दी है एंड हरलिन आपने पूछा था कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड अदर ग्रॉसरी आप फ्रेश प्रोड्यूस लेते हो वेजिटेबल्स लेते हो जो ऑर्गेनिक होती है हो, उस पर लिखा होता है मार्क किया होता है ऑर्गेनिक्स एंड मोस्टली कैनाडा में जो भी ग्रॉसरी स्टोर है सारे कैरी करते हैं मैं फोर्टीनोज में जाती हूँ फर्टिनो एक लार्जेस्ट ग्रॉसरी स्टोर है ओनली फॉरटीनोज में आपको वराइटी ऑफ ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी लाइक एक एक चीज की ब्राइटी है जहां आप मशरूम्स देख सकते हो जे सारे ऑर्गेनिक्स हैं जहां आपको फ्रेश प्रोड्यूस फ्रूट वेजिटेबल्स आप देख सकते हो जो बड़ा आयल ओनली ऑर्गेनिक का ही है एंड अदर स्टोर्स में होता है बट इतना ज़्यादा वराइटी में नहीं होता बहुत कम होता है बट फर्टीनोज में आपको हर एक चीज़ मिल जाती है जे सारे ऑर्गेनिक होते हैं एंड उन पर जो स्टिकर्स होते हैं ना छोटे छोटे उन पर भी लिखा होता है ऑर्गेनिक्स सो ईजी होता है हर लीन एंड अदर ग्रॉसरी भी मैं शेयर करती हूँ फ़्रेश प्रोड्यूस के साथ साथ आपको अदर ऑर्गेनिक ग्रॉसरी भी मिल जाती हैं फर्टिनो में आपको सात आठ ऐसे आयल्स मिल जाएंगे जहाँ से आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं जैसे मैंने कहा कि हर एक चीज़ पे लिखा होता है ऑर्गेनिक्स सो ऐसे इजी होता है फाइंड आउट करना हर एक ग्रोसरी को एंड फोटीनों ने तो सेपरेट आइल्स ही बना के रखे हुए हैं ऑर्गेनिक चॉइस में आप पास्ता ले सकते हो हर तरह के आपको फ्लावर्स मिल जाते हैं जूस मिल जाते हैं जैसे आयल्स आप देख रहे हो ना जे सारे ऑर्गेनिक हैं ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं हर एक चीज़ आपको ऑर्गेनिक जहाँ से मिल जाती है एंड जहाँ से आपको फ्रेश जो मिल्क होते हैं ना वो भी मिल जाते हैं एंड मेरी ग्रॉसरी हो गई है डन अब चलते हैं घर ग्रोसरी आ गई अब मैं रखूँगी सारी ग्रॉसरी पहले रखती हूँ फ्रेश प्रोड्यूस सबसे पहले मैं अपना फ्रेश प्रोड्यूस ऑर्गेनाइज करूँगी जे कैलेंडर आपको डोड्रामा से इजीली मिल जाते हैं एंड मैं अपना जो फ्रूट होता है उसे हमेशा बाहर ही रखती हूँ पहले फ्रेश प्रोड्यूस रख लेती हूँ एंड बाद में फ्रिज को ऑर्गेनाइज करूँगी फ्रेश प्रोड्यूस अब मैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी एंड जैसे भी मैं फ़्रेश प्रोड्यूस अपनी रखती हूँ सब्जियाँ कैसे आप ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रख सकते हो वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ एंड साथ साथ में मैं क्लीन कर लेती हूँ एंड अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपनी सब्ज़ियाँ को ज़्यादा देर तक फ्रेश कैसे रख सकते हो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने फ्रीज़र को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ अभी तक मैंने नहीं किया था सो so, जो फ्रेश सब्जियां होती हैं उसे मैं ऐसे कंटेनर्स में रखती हूँ ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से ली हैं मैंने जिसमें अपनी फ्रिज ऑर्गेनाइज की थी उस वीडियो को जरूर चेक करना लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स डांन लो सो ऐसे जो डिब्बे होते हैं ना जो बहुत अच्छे हैं इसमें फ़्रेश रहती हैं टू टू वीक्स तक मेरी जो पेपर्स होती हैं वो अच्छे से फ्रेश ही रहती हैं एंड ऐसे जो डिब्बे हैं जो पी के हैं आपको फोर्टीनों से मिल जाएंगे इसमें मैं रखती हूँ सैलड जो ओपन सैलड होता है डिब्बे डिवाइडर के साथ आते हैं इसमें आप फ्रेश प्रोड्यूस रख सकते हो फ्रूट वेजिटेबल्स बेरीज़ एंड हर एक चीज़ मोर देन टू वीक्स तक फ्रेश रहती है सो so, इस इनको मैं यूज़ करना लाइक करती हूँ एक साइड पे मैंने कैबेज का सैलड लिया है एंड अदर साइड में स्पिनच जो मैं मिक्स सेलड यूज़ करती हूँ सैंडविचेस के लिए उसको यूज करूँगी अगर आप चाहते हैं आप अपने टमेटोस को ज़्यादा देर तक फ़्रेश रखें तो उसे स्टैम्प के साथ ही रखें स्टैम्प रिमूव ना करें सो so, उससे बहुत ही ज़्यादातर जो आपके टमेटोज़ हैं ना वो फ्रेश रहते हैं मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि स्टैम्प के साथ ही लेकर आऊँ एंड फिर इसे मैं फ्रेश पटीज़ के ड्रोर्स में रखती हूँ या डिब्बों में रख इसमें थ्री फोर वीक्स तक फ्रेश ही रहते हैं जो मिल्क होता है उसे इंस्टेड ऑफ़ कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में और बैग्स में रखने की बजाय मैं उन्हें ग्लास की बॉटल्स में रखती हूँ जो एयर टाइट ग्लास की बॉटल्स हैं इसमें अगर रखते हो तो बहुत ज़्यादा देर तक आपका जो दूध है ना वो फ्रेश रहता है फ्रेश वेरीज़ जो होती हैं वो मैं इन कंटेनर्स में रखती हूँ ये डिब्बे पी के हैं एंड इसका जो बड़ा साइज़ था उसमें मैंने सैलड आपके साथ शेयर किया है एंड इसमें आप कोई भी फ्रेश प्रोड्यूस रख सकते हो जो डिवाइडर के साथ आते हैं एंड इसमें भी टू टू, टू थ्री वीक्स सारे तरह के फ्रेश प्रोड्यूस फ्रेश रहते हैं ग्रोसरी का मैंने एक दिन बनाया है मुझे पता है कि सारा दिन ग्रॉसरी ले जाती है ऑर्गेनाइज करनी हर एक चीज़ बहुत टाइम लेती है सो so, इसलिए आप भी एक दिन रख सकते हो ग्रोसरी के लिए एंड जैसे मैंने क्लीनिंग का भी दिन आपके साथ शेयर किया है ऐसे ही ग्रॉसरी का एक दिन मैंने बना के रखा हुआ है सैलड मैं इन एयर टाइट कंटेनर्स में रखती हूँ इसमें भी टू टू थ्री वीक्स तक फ्रेश रहता है सैलेड ऐसी जो हरी सब्जियाँ होती हैं जो हम वीकली यूज़ करते हैं इनको मैं कट करके रख लेती हूँ आपकी हेल्प हो जाती है वीकली आपका मील प्लान भी हो जाता है ऐसे अगर आप कट करके रख लेते हो तो ईज़ी होता है निकाल के जस्ट बनाना उसे एंड ऐसे फ़्रेश भी रहती है मैं इसे वॉश नहीं करती जैसे गोभी होती है उसको मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ एंड इसको फिर कट करके फिर इसको मैं डिब्बे में रख लेती हूँ एयर टाइट कंटेनर्स में रखने के बाद फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हो एंड जब आपको यूज़ करना है तो इसे वॉश करके यूज़ कर सकते हो ऐसे टू टू थ्री वीक्स तक आपकी वेजिटेबल्स फ्रेश रहती हैं भी फ्रेश वेजिटेबल्स अगर आप स्टोर करना चाहते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो एयर टाइट कंटेनर्स यूज करें उसके नीचे एक पेपर रखें एंड लेट उसका अच्छे से बंद हो तो ऐसे ही आप टू टू थ्री वीक्स तक अपनी वेजिटेबल्स फ्रेश रख सकते हो नाउ मैं फ्रीजर को ऑर्गेनाइज करूँगी एंड आपके साथ शेयर करूँगी फ्रीजर सेफ ग्लास के कंटेनर्स हैं एंड जी मैंने फर्टिनो से लिए थे ग्लास के कंटेनर्स में मैं फ्रोजन वेजिटेबल्स रखूँगी ये ईजी टू यूज होती हैं अगर आप इसे डीफ्रीज करना चाहते हो तो एज इट इज इस आप इसे निकाल कर रख सकते हो माइक्रोवेव में ग्लास कंटेनर कभी भी स्टेन नहीं होते एंड ईज़ी टू यूज़ होते हैं इसे आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो सो मेक श्योर कि आप फ्रीज़र सेफ़ ही लें एंड ए टाइट कंटेनर जही लें जो आपकी हेल्प करें अब मैं वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी जो मेरे फ्रीज़र में जा रही हैं ये स्टोरेज बिन भी मैंने फोर्टीनों से लिया है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है ऐसे बिन्स आप अपने फ्रीजर में रख सकते हो इससे बहुत ही अच्छे से आपकी जो चीजें होती हैं ऑर्गेनाइज हो जाती हैं कुछ चीज़ें आप ऐसे पैकेजिंग में रखना चाहते हो तो ये बेस्ट है फ्रीज़र को मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया है हर एक चीज़ का इजी एक्सेस है जो वेजिटेबल्स हम एवरी डे लाइक यूज़ करते हैं उसको आप ऐसे कंटेनर्स में रख सकते हो तो इजी आप ग्रैब करके यूज़ कर सकते हो सो होप दिस साफ ऐसे अगर आप डिवाइडर बना के रखोगे तो अच्छा रहता है हर एक की फ़्रिज में लेफ्ट ओवर होता है मेरे पास भी लेफ्ट ओवर होता है उसे मैं क्लियर डिब्बों में रखती हूँ कि ईजिली दिख पाएँ एंड उसे पीछे रखती हूँ एंड फिर उसके आगे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखती हूँ एंड इससे आपकी जो फ्रिज है ना नीट क्लीन एंड और ऑर्गेनाइज हमेशा लगती है एंड रहती भी है फ्रेश धनिया मैं ऐसे ग्लास यार में थोड़ा सा फ्रेश वाटर लेकर इसमें रखती हूँ एंड प्रिया आपने पूछा था कि कितनी देर तक ये फ्रेश रहता है टू टू थ्री वीक्स तक ये फ्रेश रहता है प्रिया अगर आप इसके ऊपर ऐसे प्लास्टिक बैग यूज कर लें एंड इसका वाटर चेंज करते रहें तो टू टू थ्री वीक तक रहता है ग्रोसरी हो गई है ऑर्गेनाइज अब मैं ग्रॉसरी का मैस क्लीन कर लेती हूँ ग्रॉसरी का बहुत सारा खलारा हो जाता है लाइक पैकेजिंग होती है एंड और ऑर्गेनाइज करने के बाद वो सारी निकलती है एंड कुछ वेस्ट है जिसे मैं क्लीन कर लूँगी मेरी रेसिपीज बहुत लाइक करती हो सो स्टेटन रहना मैं आपके साथ अपनी डिनर रेसिपीज भी शेयर करूंगी जो हेल्दी होंगी क्विक एंड ईजी बना सकते हो हाँ मैं डिनर रेडी करूँगी मैंने फ्रेश पोटेटोज को कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में इसमें मैं सारी हर्ब्स ऐड करूँगी लाइक बेसन पोर्सले और एग्नो एंड इसमें मैं स्पाइसेस भी ऐड करूँगी सॉल्ट चिल्ली एंड ब्लैक पेपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो एंड लिटल विट ऑलिव ऑयल एंड फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें मैरिनेट कर दें एंड आफ्टर फाइव मिनट्स फिर आप इसे एक बेकिंग पैन में ऐड करके फिर आप इसे बेक कर सकते हो थ्री डिग्री एंड फिर नाइट पर मैं इसे टेन मिनट्स तक पकाती हूँ और मोर पका सकते हो मेरे पास है फ्रकोशा ब्रेड उस पर मैं चीज़ ऐड करूँगी एंड ये सॉस के साथ आता है इस पर मैं ऐड करूँगी ऑलिव्स एंड अनियंस एंड फाइन आप अपनी चॉइस ऑफ uh, टॉपिंग्स ऐड कर सकते हो और चीज़ी ब्रेड बना सकते हो इसको भी मैं बेक करती हूँ 350 डिग्री फेर नाइट टेन मिनट्स और मोर एंड ये दोनों चल गए हैं अवन में अब मैं बनाऊँगी मशरूम्स पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल एंड गार्लिक एंड श्योर कि जो आप मशरूम्स बना रहे हो वो फ्रेश हो एंड फ्रेश होती है तो बहुत अच्छी बनती है इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी एंड पकाने के बाद आप इसमें ऐड कर सकते हो लिटिल बिट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड ब्लैक पेपर और हर्ब्स ऐड कर सकते हो एंड ये बहुत जल्दी बन जाती है एंड ऐसे बना कर देखना बहुत अच्छी बनती है अगर आप इसे क्रीमी बनाना चाहते हो तो अल्फ्रेडो सॉस यूज़ कर सकते हो बट मैं परमजन चीज़ ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बनता है ऐसे फ्रेश मशरूम्स ट्राई करना बहुत अच्छी बनती है एंड मैंने बनाया है वाइट अल्फ्रेडो पास्ता एंड इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है आज की डिनर में है पटेटोज ऐसे ट्राई करना बहुत अच्छे बनते हैं वाइट अल्फ्रेडो पास्ता एंड उसके साथ मशरूम एंड फरकोशिया ब्रेड एंड अब मैं इसे सर्व करूंगी ग्रीन सैलड के साथ ग्रीन सैलड जरूर ऐड करें बहुत ही अच्छी आपकी प्लेट बन जाएगी सो इसको आप डिनर में और लंच में ट्राई कर सकते हो आई होप यू लाइक टूडेज डिनर किचन के नाइट के रूटीन को मैं ट्वेंटी मिनट्स देती हूँ ट्वेंटी मिनट्स आप हमेशा दें इसकी स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है वो मोटिवेशनल वीडियो वो उस वीडियो को चेक कर लेना लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो अब मैं इस सारी किचन को क्लीन कर लूँगी अपने फैमिली रूम को क्लीन कर लूँगी सोने से पहले ये सारी चीज़ें मैं करके सोती हूँ तो फिर मुझे अच्छे से नींद आती है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना ऐसी वीडियोस मोटिवेशनल वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ आप चेक कर लेना मेरे चैनल को एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स टाँट लो अब मैं मिलूँगी आपको अनदर कमिंग वीडियो में आंटल एंड ठीक है गाइस लव यू एंड बाई गाइस एंड थैंक यू माई ओल्ड एंड न्यू सब्सक्राइबर्स Thank you so much.